हमारा परिवेश में पार्ट 20 संघी शासन, यह भी कक्षा 5 के जो दिया है काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये बताइए संघी शासन किसे कहते हैं, मधु जी आप बताइएगा। अरे बाप रे बाप, माने हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी माने इन राष्ट्रों इन राज्यों पर माने 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश पर सरकार चलाने वाले संस्था को संघी शासन व्यवस्था कहते हैं। इन पे शासन करने वाले व्यवस्था को संघी शासन व्यवस्था कहते हैं या संघी शासन कहते हैं, जो इन पर शासन करती है। कहने का मतलब देश के 29 राज्य 7 के सही पड़े माने संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था चलाने वाली संस्था को हम संघी शासन व्यवस्था कहते हैं या संघी शासन कहते हैं। ठीक, संघी शासन के 3 अंग होते हैं। कितने अंग है? 3 अंग है। एक है व्यवस्थापिका, फिर दूसरी है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है विधायिका। क्या नाम है? विधायिका। व्यवस्थापिका नाम से स्पष्ट हो रहा है व्यवस्था करना। जैसे कह दिया जाए अब जाइए घर में शादी पड़ा है तो टेंट की व्यवस्था करिए। व्यवस्था करने मतलब क्या है? अब लाएंगे कहाँ कहाँ से मिलेगा, कितना पैसा देना है। तो उसी तरह व्यवस्थापिका काम क्या है? देश में संविधान का निर्माण करना। और जो संघीय शासन व्यवस्था की व्यवस्थापिका होती है वो संसद होती है, और जो राज्य की होती है वो विधानमंडल या विधानसभा होती है। ठीक, तो जो व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका में संसद आता है। संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं या संसद 3 अंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर हमारे देश के संसद का निर्माण होता है, माने संघीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। ठीक, और इसमें क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अब भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा 5 वर्ष के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं किंतु अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, किंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेनानिवृत्त होते हैं और 2/1/3 सदस्य का ही निर्वाचन होता है। और पूरे देश में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 543 है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें एंग्लो भारत एंग्लो इंडियन नहीं है तो वह क्या करता है? 2 एंग्लो इंडियन का पुनः क्या कर लेता है? चुनाव। ठीक है, चुनाव तो नहीं करता, वो डायरेक्ट मनोनीत करता है। इस प्रकार 545 है और 273 पाने वाले पूर्ण बहुमत की सरकार होती है। और राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या है कितनी? 235। 12 सदस्य जो है क्या होते हैं? राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान एवं खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रत्येक वही 2-2 वर्ष वाला मामला है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। और आगे बढ़ा जाए, और जो बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा के जो बहुमत दल का नेता होता है उसे क्या कहता है? देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वह राष्ट्रपति को अपना बहुमत सिद्ध करता है और राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने का न्योता देती है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करती है? शपथ दिलाती है। किसकी? प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाती है। प्रधानमंत्री अपने में से ही कुछ व्यक्तियों को मंत्री के लिए चुनता है और उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष क्या करता है? शपथ ग्रहण करवाता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका का प्रमुख हो गया। ठीक, प्रमुख बिंदु है। और प्रधानमंत्री समाज कौन सा, यही पूछा था लिखित परीक्षा में, जो मंत्रियों में प्रधान हो। हाँ, चलिए और आगे देखते हैं। अच्छा अच्छा, संसद दोनों सदनों से मिलकर कानून बनाती है। दोनों सदनों में, पहले लोकसभा में अगर पेश किया गया कोई बिल फिर राज्यसभा में जाता है, दोनों सदनों से पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे कोई विधेयक कानून नहीं बनेगा। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए और आगे है, शॉर्टकट में ही चल रहे हैं। अब कानून को लागू कर, कार्यपालिका, कार्यपालिका का नाम से स्पष्ट हो रहा है कार्य को पालन करवाने वाली संस्था, माने देश में बने हुए कानून को लागू करवाने का काम कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, माने राष्ट्रपति आगे आप देखेंगे वो व्यवस्थापिका का भी अंग होता है, कार्यपालिका का और न्यायपालिका भी का भी अंग होता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। अच्छा, और कार्यपालिका देश में राष्ट्रपति और मंत्रियों से मिलकर बनती है। किससे? कार्यपालिका देश में राष्ट्रपति और मंत्रियों से मिलकर बनती है। मंत्रियों के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है अनुच्छेद 75(1) के अनुसार।
संसद जो कानून बनाती है कार्यपालिका उसे क्या करती है, पालन करवाती है या पूरे देश में लागू करवाती है। और कार्यपालिका ही देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है, ठीक, या नेतृत्व करती है। नेतृत्व करता तो मान लीजिए प्रधानमंत्री होता है, इस संचालन करने का काम कौन करती है, कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में कौन आते हैं, मंत्री आते हैं और राष्ट्रपति आते हैं, और कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, भले नाम मात्र का ही क्यों ना हो। अच्छा, संसद में देश में राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा माना गया है, वह देश का पहला नागरिक कहा जाता है, वह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, उसका जो निर्वाचन होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, किंतु उसके पूर्व भी वो अपने पद से त्याग पत्र देकर या उसकी मृत्यु हो जाए या अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है या उसे उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। अगला है, अच्छा, राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य संसद की बैठक बुलाना, क्योंकि आप जानते हैं संसद की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाने का अधिकार है। लेकिन कभी कभी यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी भी कानून को लेकर मतभेद हो जाता है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करता है, और कोई अध्यादेश जारी करना, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद ये पूछ चुका पिछले साल यूपी टेट अपर प्रारंभ में पूछा था कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता, देख लीजिएगा, जो राष्ट्रपति जारी करता है वह अनुच्छेद 1, 2, 3, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि यदि सरकार या कोई भी सत्र में, संसद में कोई सत्र नहीं है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा कोई बैठक नहीं चल रही है, या कोई सरकार नहीं इसमें, ठीक, या कोई केंद्र में किसी की सरकार नहीं है, उस समय कानून को पारित करवाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा जरूरत पड़ेगी। किंतु अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, देश में अचानक किसी कानून का निर्माण करना पड़ गया, तो उसके लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। यह अध्यादेश को वही कानूनी दर्जा प्राप्त होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का, और जो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल का होता है वह अनुच्छेद 213, यह यूपी टेट के अपर प्रारंभ में पूछ चुका है, 17 वाले में ही, ठीक, 213 पूछ चुका है, 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश में क्या होता है, वही कानूनी शक्ति प्राप्त है, किंतु अध्यादेश की वैलिडिटी तभी होती है जब संसद की पहली बैठक, प्रथम बैठक के 6 सप्ताह के अंदर इसे यदि दोनों सदनों से नहीं पारित किया गया तो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है, किंतु तब तक के लिए इसे पूरी तरह से कानूनी दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, और इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसको, अध्यादेश को। अच्छा, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करना, केंद्र में मंत्रियों को शपथ दिलाना, इन सभी का कार्य क्या है, राष्ट्रपति का है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति करना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करना, ठीक, और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करना, मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना, यहाँ तक कि गवर्नर की नियुक्ति करना, इन सभी की नियुक्ति करने का जिम्मा किसके पास होता है, मतलब केंद्र में कोई भी नियुक्ति होती है तो आप आंख मूंद के राष्ट्रपति मारिएगा, 90% सही होगा, चाहे जो भी नियुक्ति पूछे। अब अच्छा, क्या आप जानते हैं, कक्षा 5 की किताब में दिया है कि जो राष्ट्रपति होता है वह तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, जल थल एवं वायु। अच्छा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत यदि किसी व्यक्ति को सजा दी गई है उसे सजा को माफ करने का अधिकार होता है, माने क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, माने सजा को कम कर सकता है, सजा को खत्म कर सकता है, यह अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है, क्षमादान, ठीक। अगला आता है, अच्छा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के कार्यों में उसकी मदद करते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का रबर का स्टाम्प होता है, जैसे हमारे देश में घर की जो शासन व्यवस्था है वैसे देखने में तो लगता है पुरुष प्रधान है, पुरुष चलाते हैं, लेकिन वास्तव में कौन चलाता है, सही बात है, देश की जो शासन व्यवस्था है, हमारे देश की घर की शासन व्यवस्था, दूर से देख के लगता है पुरुष प्रधान देश है, पुरुष चलाते हैं, लेकिन वास्तव में कौन चलाता है, महिला चलाती है। वही हाल देश का भी है, देश में राष्ट्राध्यक्ष सबसे बड़ी शक्ति सब कुछ है राष्ट्रपति, लेकिन किसके सारे काम करते हैं, सब प्रधानमंत्री के इशारे पे, ठीक, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पे कार्य करता है। यदि वो उनके सलाह को नहीं मानता है तो देश घर में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, विवाद बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक, हाँ, तलाक तक देखिए बता रहे हैं, नौबत आ सकती है,
है, उसी तरह वहाँ भी है। यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बातों को नहीं मानता तो अनुच्छेद 61 के तहत उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। उसके बाद यदि महाभियोग प्रक्रिया दोनों सदनों से पूरी तरह से पारित हो जाती है, उसे उसके पद से पदच्युत कर दिया जाता है। ठीक, इसलिए राष्ट्रपति क्या होता है, कहीं ना कहीं रबर का स्टाम्प है। यदि कोई विधेयक को कानून पर हस्ताक्षर नहीं करता, विधेयक दोबारा भेज दिया जाएगा। यदि दोबारा भेज दिया जाएगा तो राष्ट्रपति उसको साइन करने के लिए बाध्य होगा। हाँ, चलिए, आपके यहाँ भी कौन है, आप ही शासन व्यवस्था के हाथ में? वही साथ, अच्छा, चलिए, आप बहु भी कभी साथ बनेगी। चलिए, अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहते हैं, और दोनों सांसद कहलाते हैं, याद रखिए दोनों। जैसे अभी आता है ना, हेमा मालिनी सांसद है, रेखा सांसद, जबकि राज्यसभा के हैं, सचिन तेंदुलकर सांसद है, राज्यसभा से हैं, दोनों को सांसद ही कहा, दोनों को समकक्ष शक्तियां प्राप्त है, किंतु जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनका जाता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से। और लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं, 543, जिसमें से 80 केवल उत्तर प्रदेश से जाते हैं। राज्यसभा में 233 है, 31 केवल उत्तर प्रदेश से जाते हैं। और राज्यसभा में राज्यों का, राज्यसभा सदस्य जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यही प्रश्न पूछ चुका है, और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यसभा सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे 31 सदस्य गए हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, कौन, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, फिर वो भी सांसद कहलाते हैं। और आगे देखा जाए और क्या दिया है, अच्छा, अब है न्यायपालिका। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को यदि कोई पालन नहीं करता, उसका उल्लंघन करता है, तो उसके लिए न्यायपालिका है, क्या करती है, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करती है, तोड़ती है, उसे दंडित करने का काम कौन करती है, न्यायपालिका करती है। लोग पूछते हैं अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर होता, यही अंतर होता है, संविधान द्वारा जो अनुच्छेद बनाए जाते हैं और धारा जो होती है IPC, इंडियन पैनल कोड, ठीक, भारतीय दंड संहिता, ठीक, जिसकी संख्या लगभग 512 है, और अनुच्छेद 395, ठीक, अभी तो लगभग 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। अच्छा, कानून न्यायपालिका क्या है, हमारे देश के नियम कानून के लिए, नियम कानूनों की रक्षा करने के लिए एक न्यायपालिका है जो स्वतंत्र है। देश में सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय है, इसमें कुल जजों की संख्या 30+1, 30 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक, कुल 31 हो गए। यह भारत के कहाँ पे स्थित है, राजधानी में, दिल्ली में स्थित है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय संविधान में नियमों कानूनों के, अच्छा, उच्चतम न्यायालय एक काम और है, ये जो मंत्री नेता है चाहे देशों भेज दे संविधानों भेज दे, उसकी रक्षा करने के लिए कौन है, उच्चतम न्यायालय, संविधान की रक्षा, उसके नियमों कानून को। यदि कोई सरकार ऐसा कोई नियम ऐसा कानून बनाती है जो हमारे अधिकारों का, मूल अधिकारों का हनन या लघुकरण करती है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर होती है उसको क्या करे, उस संशोधन या उस विधेयक को रद्द करने का अधिकार है, ठीक, अभी उसने हाल ही में किया, अभी था आगे। अच्छा, इसका काम और है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच यदि कोई झगड़ा या कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, उसका निपटारा कौन करता, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, उसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के काम क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। अच्छा, ये देश में दिए गए नागरिक को जो मूलाधिकार दिए गए हैं, 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, उनकी रक्षा भी करता है अनुच्छेद 32 का। इसलिए इसे भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक, ये अनुच्छेद 32 जो है क्या है, आत्मा का है, इसे अनुच्छेद का नाम क्या है, संविधान उपचार, क्या कहते हैं अनुच्छेद 32 को, क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचार ना, क्या कहते हैं, नाम ही ध्यान नहीं आ रहा है, अनुच्छेद 32 क्या कहते हैं, अरे वो तो भीमराव अम्बेडकर जी ने उसे कहा, जिसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके कोई व्यक्ति मूलाधिकार का हनन करता है। अच्छा, संघीय शासन के 3 अंग होते हैं, हमने देख लिया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, यह भी आपके कक्षा 5 किताब से है, जो है निम्नलिखित संस्थाओं के नाम बताइए। व्यवस्थापिका, देश की व्यवस्थापिका कौन है, राज्य कौन है, देश की व्यवस्थापिका है संसद, राज्य की विधान मंडल, राज्य की विधान मंडल के उत्तर प्रदेश की हेत कहाँ पे होगी, देश की राजधानी, राज्य की राजधानी, राज्य का व्यवस्थापिका क्या, हमारे राज्य लखनऊ में। कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 403+1 कितनी है, 403
तीन प्लस एक, प्लस एक का मतलब 403 जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाते हैं। यदि राज्यपाल को लगता है इसमें एंग्लो इंडियन नहीं है, आंग्ल भारतीय नहीं है, तो एक लोग को मनोनीत करता है, और 202 जो पाता है उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। ठीक, और विधान परिषद, अच्छा उत्तर प्रदेश राज्य में दो सदन है, एक लोक विधानसभा है, विधान परिषद। विधान परिषद 7 राज्यों में है और उत्तर प्रदेश में जो है 99 प्लस एक माने लगभग 100 सदस्य है विधान परिषद के हैं। ये विधान परिषद का जो होता है वह कुल सदस्यों का 1/3 अथवा न्यूनतम 40 होते हैं। विधान परिषद उत्तर प्रदेश विधान परिषद भी है, बताएंगे इसका जिक्र क्या है। और जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं वो विधान परिषद के ही सदस्य, वो चुनाव नहीं जीते। अखिलेश जी जो प्रधान मुख्यमंत्री हुए थे वो चुनाव नहीं जीते थे, उन्हें उठा के डायरेक्ट बैठा दिया गया था। ठीक, तो ये हो गया 100, समझ में आप लोग को, ये विधान परिषद का हो गया। और देश में दो प्रकार के सदन है, और इसमें है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राज्यपाल, और उसके लिए मंत्रिपरिषद है। ठीक, जो कानून। और न्यायपालिका, देश की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, और राज्य में राज्य के लिए कोई अलग से न्यायपालिका नहीं है, एक न्यायालय, एक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, दो से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय हो सकती है। वर्तमान में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं देश में। ठीक, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का, इसकी खंडपीठ लखनऊ है। चलिए भैया, चलिए और कुछ दिया इसमें, चलिए आगे दिया है। शांति के समय सेना तथा अर्धसैनिक बल समाज की भलाई कामों मदद करते हैं, किसी भी आपदा से बहुत सहायता करते। अच्छा, देश में शांति और सुरक्षा बनी रहे हम सदैव हम सबका कर्तव्य है। हम सब देश के सदैव सतर्क रहना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए, ना अफवाह फैलाना चाहिए, और पुलिस और प्रशासन का सहयोग देना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी, ये सब आपके मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। हम सब भारतीय नागरिक हैं, हमें मिलजुल कर देश में शांति व्यवस्था बनानी चाहिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए अब क्या है, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है। अच्छा, एक पेज ऊपर नीचे हो गया था, अब आए विश्व में शांति, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? 20वीं शताब्दी में प्रथम जो दो बड़े विश्व युद्ध हुए उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। पहला जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1919, लगभग 5 वर्षों तक चला था। ठीक, और हाँ, इस युद्ध में एक ओर जर्मनी, इटली तथा जापान लड़ रहे थे, दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश थे। इस युद्ध में बहुत जनधन की हानि हुई, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई, 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए लगभग। युद्ध के अंतिम दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने, अच्छा द्वितीय विश्व युद्ध का है, अच्छा पहला विश्व युद्ध जो था हाँ वो 1914 से 1919 तक चला था, और इस युद्ध में लगभग 90 लाख लोग मारे गए। लेकिन जो दूसरा हुआ था धोरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र वाला हुआ था 20 वर्ष बाद, यह 1939 लेके 1945 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध, इस युद्ध एक और जर्मनी, इटली और फ्रांस, जापान थे, दूसरे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और रशिया थे। इस युद्ध में जनधन की अपार हानि हुई, लगभग 5 करोड़ लोगों की मृत्यु। इस युद्ध के बाद लगा कि देश में शांति व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसमें उस समय 51 देशों सम्मिलित हुए थे, भारत भी उसी दिन सम्मिलित हुआ था। यह भी प्रश्न आपके लिखित परीक्षा में शायद था इस बार। तो भारत 24 अक्टूबर 1945 को ही UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था, जिसमें 51 देश सम्मिलित हुए थे पहले दिन। और युद्ध का अंतिम दिन में अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु हमला कर दिया, और इसके बाद यह क्या हो गया, युद्ध विराम धीरे धीरे होने लगा, और विश्व में लगा कि कहीं ना कहीं शांति की जरूरत है। अगर इस तरह से फिर पुनः युद्ध हो जाएंगे तो देश में क्या हो जाएगी, एक विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। और हाँ, इस समय वर्तमान समय में 193 देश हैं, जो अंतिम देश जुड़ा है वह दक्षिणी सूडान जुड़ा है। यह भी आपके कक्षा 5 की किताब में दिया गया है। 192 जो देश है वह है दक्षिणी सूडान, कुल 193 किसके, अरे भी लंबा, इसको डिफाइन करिए, लिखित परीक्षा का सिलेबस भी याद रखिएगा। UNO लिखित परीक्षा के सिलेबस में ही पूरा 5 नंबर का है, यूपीटेट में भी दिया इस बार, हाँ जितना दिया उतने, केवल कक्षा 5 जितनी किताब में उतने आपको दिया गया है। आज भी हिरोशिमा नागासाकी, मतलब जहाँ पे नागासाकी और हिरोशिमा जहाँ बम गिराए थे, वहाँ आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं, आज भी।
अच्छा ये निश्चय किया युद्ध विराम के बाद या जब परमाणु हमला हो गया उसके बाद निश्चय किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो, इसकी इसी दुनिया में शांति का विकास हो। इसके लिए विभिन्न राष्ट्रों ने अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को नगर में बैठक बुलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इस संघ की स्थापना 1945 में, इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, यही पूछ सकता है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब बना था उसमें 51 राष्ट्र सम्मिलित थे। वर्ष 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश सम्मिलित हो चुके हैं। संसार प्राय सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, उन्हीं को देश की संज्ञा भी दी जाती है। और 193वां जो देश है वो दक्षिण सूडान है। अब इसमें और अब कहता है कि इसका सबसे प्रमुख काम क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसके लगभग चार प्रमुख काम है। पहला, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मित्रता को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की रक्षा करना जिसे ह्यूमन राइट कहते हैं, राष्ट्रों के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास करना। अब जैसे देखिएगा, मनुष्य की स्वतंत्रता, मनुष्य की सुरक्षा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा बनाए गए अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं, ह्यूमन राइट कहते हैं। विश्व के सभी देश अपने नागरिकों के इस अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। इन सभी के मुख्यालय मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा या खुद खोज लीजिएगा। विश्व शांति में भारत का भी योगदान, बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा देश शांति प्रिय देश है, इस देश सद्भावना से प्रेरित रहा है। कभी भी युद्ध की प्रथम पहल भारत ने नहीं किया है, हमेशा ये शांति चाहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण विश्व में भारत है। कभी भी किसी भी युद्ध की पहल सर्वप्रथम भारत ने नहीं की है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कितने, अच्छा, जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत देश का आह्वान किया है, जब भी किसी देश में सुरक्षा या सुरक्षा की भावना का जब दृष्टि उत्पन्न होती है तो भारत सरकार उसके लिए सदैव तत्पर रहती है। भारतीय सेना ऐसे देशों पे जाकर क्या करती है, नागरिकों हित की रक्षा या उनकी भावनाओं की रक्षा करती है। जैसे इराक में जब जरूरत पड़ी थी, जब वहाँ पे मानवाधिकार का हनन हो रहा था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, तब भारतीय सैनिक वहाँ जाके क्या की थी, इसकी बीच बचाव किया था। और यूनाइटेड नेशन ऑफ मतलब यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भी क्या होती, पीठ थपथपाई गई थी। ठीक, अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ में और आवश्यकता पड़ने पे विभिन्न राष्ट्रों में भारत ने अपनी सेना की टुकड़ी भेजी है ताकि विश्व में शांति व्यवस्था बना रहे। इससे हम ये कह सकते हैं भारत भी शांति प्रिय देश है और सदैव शांति को क्या करता है, प्रेरित करता है या प्रोत्साहित करता है। अच्छा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो, भारत ने अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भेजी थी कांगो गणराज्य में। इसका ईरान और शांति बनाए रखने भारत सैनिक भेजे थे। कोरिया युद्ध में भारत ने डॉक्टरों का दल भेजा था। यह कोरिया युद्ध हुआ था, भारत ने क्या किया था, डॉक्टरों का एक दल भेजा था ताकि घायलों की मदद की जा सके और मानवाधिकार की रक्षा हो सके। भारत ने परमाणु शक्ति का प्रयोग मानव कल्याण के लिए सदैव किया है और उसके लिए लगातार उसने संधि किया है। माने भारत ने जो परमाणु का उपयोग किया है वह किसके लिए किया है, देश हित के लिए, नागरिक हित के लिए और जनता हित के लिए किया है। कभी स्वार्थ सिद्धि के लिए या युद्ध के लिए नहीं किया है। दुनिया में गुलाम देशों को आज़ादी दिलाने में भारत ने भी अथक प्रयास किया है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। आप जानते होंगे गांधी जी का भी इसमें अहम योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत ने अन्य देशों को स्वतंत्र कराने में या गुलामी से आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे कह सकते हैं भारत एक शांति प्रिय देश रहा है और भविष्य में भी रहने की संभावना है। कभी भी इसने युद्ध की प्रथम पहल नहीं की है। विश्व शांति में भारत एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, गुटनिरपेक्ष देशों की संगठित करके उसके हित की रक्षा करने का प्रयास किया है। विश्व शांति का स्थापना हमारे देश में सदैव तत्पर रहा। अच्छा, कुछ इसमें दिया है, प्रश्नोत्तर दिया है, उसको आप समझ लीजिएगा। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिलिस्तीन, इजराइल, युगोस्लाविया देश को पहचान करिएगा, उसकी राजधानी याद करिए, क्योंकि इसमें दिया है। अब यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, इसके कहाँ कहाँ मुख्यालय है आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है अब। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये देख लीजिएगा। जैतून की पत्ती है, किस कलर से बनाया गया, बैकग्राउंड क्या है, और लगभग जो अस्थाई देश है उनके मानचित्र को बनाया गया है या दर्शाया गया है। अच्छा, केंद्र सरकार कौन कौन संघ है, अच्छा ये सब है। इस प्रकार यह था कक्षा 5 के पर का संविधान, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था वो मैंने बता दिया। हमें प्रयास करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर यहाँ से कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा।
जो समझ में न आया या जो मन में प्रश्न उठा हो बताएं। आप लोग को भी कोई समस्या हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। नागासाकी पे ठीक, बैटमैन और फैटमैन बम था और फैटमैन बम का नाम था। और बताइए और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। चलिए आप सभी को पुनः परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आप जितना पढ़े इसी से प्रश्न आए और यहाँ से दो प्रश्न आपके आपके परीक्षा में जरूर आए, क्योंकि संविधान का प्रश्न आएगा इसके इतर नहीं आएगा, यहीं से आएगा और हम ये उम्मीद करते हैं आपसे गलत नहीं होगा। ठीक, और आप इसे शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों तक पहुँच जाए। लाइक करिएगा नहीं करिएगा वो आपकी आत्मा जाने, ये शेयर जरूर कर दीजिएगा।